अफसोसनाक खबर दें आपको, अमरीकी केमिकल प्लांट में यके बाद दिख रहे दो धमाकों के बाद आग लग गई। धमाकों और आग लगने से 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए, करीबी इमारतों को भी सख्त नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम ने धमाकों के बाद इलाका खाली करवा लिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में जेफरसन काउंटी के केमिकल प्लांट में दो धमाके हुए। पहले धमाके में तकरीबन 3 अफराद जख्मी हुए, जबकि दूसरे धमाके में 5 अफराद जख्मी हुए। धमाकों के बाइस केमिकल प्लांट में आग लग गई, करीबी इमारतों को भी सख्त नुकसान पहुंचा। अमरीकी रेस्क्यू जराए के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वालों को मुकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद फ्राहम की जा रही है। धमाकों की वजह से 60,000 से जायद अफराद को इलाका खाली करने की हिदायत कर दी गई है। केमिकल प्लांट में होने वाले धमाके की वजूहत अभी तक सामने नहीं आ सकी, ताहम अमरीकी मुतलका इदारे वाकये की तफ्तीश में मसरूफ अमल है। कहा जा रहा है कि जल्द वाकये की तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएगी।